उड़ीसा में मुझे आए हुए 3 साल हो गए और इस दौरान मैंने ये रियलाइज़ किया कि यहाँ पे स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और स्पेशली रिसर्च फील्ड में स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। और इनको देखते हुए एलन कोटा ने डिसाइड किया कि हम यहाँ पर एलन ग्लोबल स्टडीज़ डिवीजन लॉन्च करेंगे ताकि यहाँ के स्टूडेंट्स का जो टैलेंट है वो प्रॉपरली टैप्ड हो। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा के जी एस टी हेड मिस्टर अपूर भट्ट से एंड मिस्टर सचिन श्रीवास्तव से कि वो इसके बारे में और हमें इंफॉर्मेशन दें। मेरा नाम अपूर भट्ट है, मैं एलन ग्लोबल स्टडीजन को हेड करता हूँ। देखिए, एलन की फिलॉसफी रही है कि बच्चों को जितना अच्छा हम लोग गाइडेंस दे सकें जिस भी फील्ड में देते आए हैं, तो चाहे वो IIT हो या NEET हो, हम लोगों ने काफ़ी मेहनत की बच्चों के साथ में। पिछले कुछ सालों से बच्चों के डिमांड आनी शुरू हुई कि सर हमें वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में जाना है। तो जैसे ही इन्फॉर्मेशन मिलनी शुरू हुई, हम दोनों ने तैयारी करनी शुरू कर दी कोटा में ही, और समय के साथ सीखते चले गए और बच्चों को बेस्ट गाइडेंस देने की कोशिश करी। इस जर्नी के अंदर हम लोगों ने बहुत सीखा, लेकिन साइड बाय साइड इस लर्निंग प्रोसेस में हुआ ये बच्चों की वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी से रिजल्ट आने शुरू हो गए। तो अभी आज की तारीख में भले ही AGSD को 4-5 साल हुए हैं कोटा में, अब हमने बाहर जाना शुरू कर दिया है, हेंस वी हैव कम टू भुवनेश्वर टुडे। तो यहाँ पर जो वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटी है वहाँ बच्चों को हमने प्लेस करना शुरू कर दिया है। होपफुली अगले ही साल से हमारे पास भुवनेश्वर से टॉप नॉच रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। मेरा नाम सचिन श्रीवास्तव और मैं एलन ग्लोबल स्टडीज़ डिवीज़न को हेड करता हूँ। यहाँ ग्लोबल स्टडीज़ को ओपन करने के पीछे जो पर्पस था वो ये कि यहाँ पर बच्चे जो हैं वो काफ़ी टैलेंटेड हैं, बट कुछ एक जगहों पर उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। तो जैसे कि एलन अभी नीट और IIT के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवा रहा है, उसी तरीके से ग्लोबल स्टडीज़ के अंदर एक एंड टू एंड प्रोडक्ट जो कि शायद पूरे देश में कहीं नहीं है, जहाँ बच्चों को पूरा हैंड होल्डिंग किया जाए शुरू से लेकर एंड तक, जिसमें कि उनके प्रोफाइल पर भी काम किया जाए, उनके टेस्टिंग पर भी काम किया जाए, उनकी एप्लीकेशन, ये इस तरीके का एंड टू एंड जो है सर्विसेज कोई भी नहीं देता है। तो हमें उस नीड को हमें समझ में आया एंड नाउ वी आर ट्राइंग टू कैटर दैट नीड, और उसी का नतीजा है कि पिछले 4-5 साल के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट्स जो कि देश में कहीं भी नहीं है, चाहे वो MIT के रिजल्ट्स हों, चाहे वो हार्वर्ड के हों, प्रिंसटन हों, ऑक्सफोर्ड हों, लगभग 8 बच्चे जो हैं वो ऑक्सफोर्ड में एक साथ हो रहे हैं, 5 बच्चे 6 बच्चे जो हैं वो UIUC या UOT के अंदर हो रहे हैं। तो ये जो रिजल्ट्स हैं ये बेसिकली शो कर रहे हैं कि वो जो प्रोसेस हम लोगों ने इस्टेब्लिश किया है वो प्रोसेस जो है वो वर्थफुल है और फ्रूटफुल है। ग्लोबल स्टडीज़ से एलन कोई भी काम इस तरीके का नहीं करता है जिसमें कि हमें पैर पीछे खींचना पड़े। हमने इस पर ऑलरेडी काफ़ी 5-7 साल रिसर्च किया है और 5-7 साल के बाद हमने इसको कमर्शलाइज किया है। तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ इस चीज़ को लेकर कि ये चीज़ बच्चों को बहुत हेल्प करेगी और काफ़ी अच्छे रिजल्ट देगी उसके। मैं सिद्धार्थ शंकर राउत एटिकार एडमिनिस्ट्रेशन देखुची। मैंने हमें भुवनेश्वर 3 वर्ष आरंभ करूँ, ये वर्ष तो हमें ग्लोबल मैंने जो फिजिक्स ओलंपियाड हुए तादर में गोल्ड मेडल आम ओडिशा पिला नहीं छी दिव्यांशु मल्लु आउ IIT भी बहुत भल रिजल्ट कर। तो ये आम भावचु आम ओडिशा पिला बाहर कहीं जीवन है जो द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन पहुँच पार्टी तो आम ओडिया पिला जाकि MIT कहीं पढ़ी पारे। तेणु आम चाहूँ एलन को धन्यवाद दौर मुझे डिविजन आरंभ कले आउ होपफुली 1-2 वर्ष भितर बहुत पिला जाकि फॉरेन यूनिवर्सिटी पाठ पढ़ा।